नमस्कार, भारत 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। जिस भारत में हम लोग रहते हैं ये नया भारत है। अब पत्रकारिता के छात्रों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्रकार बनना अब स्वघोषित पेशा है। ट्विटर पर भड़काऊ 240 कैरेक्टर लिखना आता है तो पत्रकार बन जाते हैं। पत्रकारिता का सर्टिफिकेट आजकल ट्विटर पर ब्लू टिक के रूप में मिलता है। ट्विटर पर सैकड़ों ऐसे तथाकथित पत्रकार हैं जो 8-10 साल पहले तक नई दिल्ली के अपने धूल चढ़े दफ्तरों में बैठते थे, लेकिन आजकल ज्यादातर ट्विटर पर नजर आते हैं। लोगों को ऐसा भ्रम है कि ये सरकार से सवाल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये महाराष्ट्र सरकार से भी सवाल करते, अगर ऐसा होता तो ये राजस्थान की सरकार से भी सवाल करते, लेकिन नहीं, ये सिर्फ बीजेपी सरकारों से सवाल करते हैं, इसलिए तथाकथित पत्रकार कहलाते हैं। इनकी काट के लिए कुछ तथाकथित पत्रकार दूसरी तरफ भी हैं जो बीजेपी को छोड़कर सभी से सवाल करते हैं। ये लोग पॉलिटिकली एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सदस्यता प्रेस क्लब की लेकर बैठे हुए हैं। फेक न्यूज फैलाने से तथाकथित पत्रकारों को अगर रोहिणी में 2 BHK फ्लैट मिल जाता है, खान मार्केट में बैठकर खाना पीने खाने का खर्चा अगर निकल जाता है तो सौदा बुरा नहीं है। दाल रोटी सभी की चलनी चाहिए, लेकिन एक पार्टी को कोसने के चक्कर में कभी कभी थोड़ा ज्यादा तो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब झूठ के पैर तो नहीं होते, ऐसी कहावत है, लेकिन ये लोग जो कुछ ट्विटर पर लिख देते हैं वो जल्दी ही व्हाट्सएप इंडस्ट्री में पहुंच जाता है। बाद में ट्विटर से ट्वीट डिलीट भी हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप इंडस्ट्री में ब्रेक का बटन नहीं होता, फॉरवर्ड का खेल चालू रहता है। मामला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र का है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां एक बुजुर्ग के साथ कुछ युवक मारपीट कर रहे थे। वीडियो हमारे पास भी उसी वक्त आया था जब वायरल हुआ। असाइनमेंट ने मुझको बताया था, लेकिन मैंने अपनी प्रोडक्शन टीम से उसको आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि पुलिस का वर्जन नहीं आया था, उसका हम लोग वेट कर रहे थे, इसलिए हमने खबर नहीं चलाई। लेकिन कुछ लोगों ने अपना दिमाग चला दिया। वीडियो में दिख रहा बुजुर्ग मुस्लिम था तो अपने आप कहानी बना दी कि जय श्री राम नहीं बोला इसलिए मारपीट की गई, जबकि असलियत में मौलाना साहब का ताबीज फेल हो गया था इसलिए मारपीट की गई थी। 1-2 दिन पहले भी राम मंदिर के नाम पर घोटाले की बात की गई थी। यकीन करिए, ये वही लोग हैं जिनका ना राम के नाम से ना राम के मंदिर से कोई लेना देना है। जैसे कुछ लोगों का ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उछल कूद करना इनकी आदत बन गया है। फिलहाल गाजियाबाद मामले पर उछल कूद करने वाले मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब, सलमान निजामी, मकसूर उस्मानी, समा मोहम्मद, सवा नकवी, द वायर वेबसाइट और ट्विटर पर मुकदमा किया गया है। मुकदमा होने के बाद से डर का माहौल बन गया है। इन सभी ने अपने फर्जी ट्वीट डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वो सभी ट्वीट व्हाट्सएप पर तबाही मचाए हुए हैं। झूठ की इस तबाही पर कुछ लोग कुछ नहीं कह रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह ही फ्रीडम ऑफ साइलेंस का शायद मजा ले रहे हैं। खैर, पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है और हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में यूपी पुलिस ने ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ट्विटर सहित इन लोगों पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल किया था, जिस पर CM योगी आदित्यनाथ ने पलटवार कर हिदायत दी थी कि यूपी को बदनाम ना करें। पुलिस ने जो FIR की है उसमें ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों के खिलाफ फेक न्यूज और धार्मिक भावना भड़काने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें कौन कौन है? इसमें मोहम्मद जुबैर है, ये को-फाउंडर है ऑल्ट न्यूज का। राणा अयूब है, खुद को वरिष्ठ पत्रकार कहलाती हैं, गुजरात फाइल्स की लेखक हैं, द वायर एक न्यूज वेबसाइट है। सलमान निजामी कांग्रेस के नेता है। मस्कूर उस्मानी ये भी कांग्रेस के नेता हैं। समा मोहम्मद कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सवा नकवी वरिष्ठ पत्रकार खुद को कहती हैं, ट्विटर INC और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम भी शामिल हैं। गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि FIR में जो आरोपी शामिल हैं वो वरिष्ठ पत्रकार और नेता हैं। उन्होंने जानबूझकर बिना किसी तथ्यों की जांच व सत्यापन किए झूठी, भ्रमित करने वाली और गलत सूचना पोस्ट की। इनका उद्देश्य 2 धार्मिक संप्रदाय के लोगों के बीच शत्रुता, नफरत पैदा करना था। FIR में लिखा गया है कि गाजियाबाद पुलिस की ओर से स्पष्टीकरण जारी करने के बावजूद आरोपियों ने अपने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए, जिसके कारण धार्मिक तनाव बढ़ा। इसके अलावा ट्विटर इंडिया और ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भी उन ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इनके खिलाफ IPC की धारा 153A, 295A, 505, 120B और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR जो है वो लिखी गई है। वहीं गाजियाबाद पुलिस का आगे क्या कुछ कहना है, उनका कहना है कि मामले की प्रारंभिक जांच में यह मिला कि जिन शरारती तत्वों ने घटना को अंजाम दिया वे पीड़ित के ही परिचित थे, मतलब जिसकी पिटाई हो रही थी और जो पीट रहे थे दोनों पहले से परिचित थे। पीड़ित ने उन्हें ताबीज बेचे थे और सकारात्मक परिणाम का आश्वासन दिया था। जब उन ताबीजों ने काम नहीं किया तो शरारती तत्वों ने गुस्से में उस बुजुर्ग को पीट दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कि एक बुजुर्ग जिनका कि नाम अब्दुल समद है और जो बुलंदशहर अनूपशहर के निवासी हैं, उनके साथ कुछ लड़के उसमें मारपीट करते हुए दिख रहे हैं।
इसमें जब और गहनता से जांच की गई तो ये पता चला कि ये बुजुर्ग 5 तारीख को लोनी बॉर्डर क्षेत्र में आए थे। वहां से ये एक किसी के साथ और बाइक से बैठ के बेहटा हाजीपुर गांव में गए, जहां पर कि इनको प्रवेश के घर पे जाना था। प्रवेश ने इनको बुलाया था क्योंकि ये उन लड़कों को पहले से जानते थे और जो एक ये ताबीज़ बनाने का काम करते हैं, और प्रवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने ताबीज़ बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराज़गी थी और इन्होंने फिर उनको वहाँ पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहाँ पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें हमने लगभग सभी लड़के ट्रेस कर लिए हैं, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, और 3 लड़के प्रवेश जो कि ऑलरेडी जेल में हैं, इसके अलावा 2 अन्य लड़के कल्लू गुजर और आदिल, इनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य लड़के भी चिन्हित कर लिए गए हैं, बहुत ही जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और पूरे मामले में जो भी और कठोर से कठोर कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल सोमवार को गाजियाबाद से एक बुजुर्ग शख्स का वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी के पास भी पहुंचा होगा। वो लोग अलग थे जिन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया, वो लोग अलग थे जिन्होंने फॉरवर्ड कर दिया और इसको आग की तरह फैलाया। खैर, वीडियो में दिख रहा था कि बुजुर्ग शख्स मारने वालों के आगे हाथ जोड़ रहा था, लेकिन वो उसकी नहीं सुन रहे थे। आरोपी बुजुर्ग की पिटाई करते जा रहे थे। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो मंगलवार को पीड़ित का एक और वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इसके बाद आगे बढ़ा बताते हैं आपको कि इसमें आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने पीड़ित से धर्म विशेष के नारे लगवाए। सीधे सीधे बताता हूं कि कहा गया कि जय श्री राम बोलो, इसलिए पिटाई की गई। लेकिन खैर, पुलिस ने इसको बिल्कुल अलग बताया है, माहौल बिगाड़ने का साजिश बताया है इसको पुलिस ने। वीडियो वायरल करने वालों और जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस घटना के बारे में और जानकारी देते हुए कहा है, ज्यों का त्यों आपको बताता हूं, सोशल मीडिया पर बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता के वायरल वीडियो के संबंध में जांच करने पर पाया गया कि पीड़ित अब्दुल समद 5 जून को बुलंदशहर से बेहटा, ये लोनी बॉर्डर पर पड़ता है बेहटा इलाका, जहां से एक दूसरे शख्स के साथ प्रवेश गुज्जर के घर बंथला लोनी गए थे। पुलिस ने आगे बताया कि प्रवेश के घर पर बाकी लड़के कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल और मुशाहिद वगैरह आ गए थे। प्रवेश के साथ मिलकर बुजुर्ग से उन सभी लोगों ने मारपीट की। अब इसमें नेताओं की संवेदनहीनता को देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को जाने बिना ही ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्रीराम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। ये राहुल गांधी का ट्वीट था। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए लिखा था, प्रभु श्रीराम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हुए हैं, सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। यह सीएम योगी ने कहा है राहुल गांधी के लिए। खैर, उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें, ये आगे उन्होंने हिदायत देते हुए कहा। खैर, तो चलिए, पूरा मामला जो था ज्यों का त्यों समझा दिया, लेकिन इस मामले पर चिंता कीजिए और चिंता करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये फेक न्यूज सिर्फ आग की तरह फैलती ही नहीं है बल्कि आग भी लगाती है, 2 संप्रदायों के बीच दूरी पैदा करती है। ये कोई वो फेक न्यूज नहीं है कि 2 मिनट में मैगी कैसे बनाए ऐसे बनाए, ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। हर किसी को ऐसी किसी भी फेक न्यूज को कभी भी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है, मतलब इलीगल है, आप पर मुकदमा हो सकता है, आप संकट में पड़ सकते हैं, जेल में बंद भी हो सकते हैं, करियर खत्म हो सकता है। फिलहाल समय को देखते हुए प्रोग्राम को यहां बाइंड अप करते हैं, प्रोग्राम को आज के प्रोग्राम को पर खत्म करते हैं। आप सभी से एक बात कहूंगा कि ऐसी किसी भी फेक न्यूज को अगर आपके फोन पर आती है, आपको लगता है कि मामला जो है संवेदनशील है, तो बिना तथ्यों की जांच किए, बिना उस पर पुलिस का वर्जन या किसी ऐसे क्रेडिबल सोर्स का वर्जन लिए बिना उसको आप फॉरवर्ड मत कीजिए। प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स के चक्कर में मत पड़िए, जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनके चक्कर में भी बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि आपको मानसिक रूप से भी परेशान करता है और गलत तरीके से भी आपको परेशान कर सकता है, मने इलीगल है तो फिर और भी तरह की परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। खैर, फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। एक चीज़ और याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी वीडियो को जल्दी अपने पास देखने के लिए या फिर भारत.net की किसी भी प्रोग्राम को जल्दी अपने फ़ोन तक पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लास्ट में जो उसके आगे आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा उस घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल धन्यवाद।